ये शुरुआत जो हुई थी नजीब की मारपिटाई के बाद पुलिस थाने से, जब मैं रिपोर्ट लिखाने गई थी नजीब की, तो पुलिस ने मुझे नहीं लिखने दिया कुछ भी। ये कहा 24 घंटे में आपका बेटा आपको लाके देंगे, आप जो मैं कहता हूँ वो लिखिए। मेरा बेटा कोशिश करता रहा कि मैं नाम लिख के दूँ, मेरे भाई ने जो बताया है, जो उसके साथ हुआ है वो लिखूँ, लेकिन कह नहीं, जो मैं कहता हूँ वो लिखो, बेटा चाहिए तो लिख दो। मैंने कहा ठीक है मुजीब, जो तुम्हें ये कह रहे हैं वो लिख दो, हमें मेरा बेटा चाहिए बस। मैंने मिसिंग ही लिखा दी, और लिखाने के बाद जैसे ही उसने पीठ मुड़ गई और पढ़ के सुना रहा है कि मैंने नाम नहीं आने दिए हैं किसी के भी, मिसिंग लिखा ही है, अब बताएं शुरुआत कहाँ से हुई। और दूसरे दिन मैं जब उससे बात करती हूँ, पूछती हूँ कि 24 घंटे हो गए, कहाँ है मेरा बेटा दे दो, तुमने तो कहा था जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, बेटा दे दूंगा। तो ये पहली शुरुआत जो हुई थी ये पुलिस से ही हुई थी इन्हें बचाने की। तो ये सब चीज अगर पुलिस पहले से ही प्लान ना किया होता कि उसे बचाना है, तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। इन्होंने मुझसे वादा करके मेरे वादा खिलाफी की, कैसे भरोसा करूं मैं इनके ऊपर, और आज भी ये वही कर रहा है। कोई मुझे माँ कहता है, कोई बहन कहता है पुलिस वाला, लेकिन ये देखिए 3.5 महीने से मैं यहीं धक्के खा रही हूँ, मेरा बच्चा मुझे कहीं नहीं नजर आता इस भीड़ में भी। क्योंकि शायद अब ये खबर उड़ा दी साहब किसी ने कि रजीव वापस आ गया है, रजीव भी कह रहा है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो मैं पूछती हूँ पुलिस से कि रजीव वापस आया है तो किसके पास है, कहाँ है, मुझे बताओ, दिखाओ, मेरे रजीव को लाओ सामने। अगर वो कह रहा है कि अगवा नहीं किया गया तो नहीं किया गया, ला दो बस मेरा रजीव। मैं तो बार बार कह चुकी हूँ मेरे रजीव को बाहर कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं पूछूंगी, ये कहाँ मिला, कैसे मिला, किसके पास था, बस मुझे मेरा नजीब ला दो। मैं बार बार इनसे ये कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी चीज उड़ा पड़े खबरों में। अभी सुना मैंने कि भाई बंदूक के साथ पकड़ा गया नजीब, कहाँ है नजीब, दिखा दो, बंदूक के साथ ही दिखा दो, सजा तो हो जाएगी, मुझे मेरे बेटे को मिलेगा 6 महीने बाद सही, कुछ भी इल्जाम लगा दो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मगर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, नई चीज़ें रोज नई। अब कल मेरे घर जाके, मेरे मायके में जाके साहब वहाँ पे रेड डालती है, ठीक है, मेरे घर 10 बार पुलिस गई, मेरे शोहर से पूछता, मेरी बेटी से, मेरे बेटे से, सारे मोहल्ले से, रिश्तेदारों से, जितनी बार पुलिस गई सब ने कोऑपरेट किया, सबको अपना बच्चा चाहिए, मोहल्ले वालों को बच्चा चाहिए, रिश्तेदारों को बच्चा चाहिए। लेकिन इस तरह से रात के 4 बजे घुस के घर में धक्का मार के और इस तरह से टॉर्चर करना, ये तो बहुत गलत है। हम लोग तो पहले से ही सदमे में हैं, इससे ज़्यादा सदमा और क्या होगा, इसका जवान बेटा गायब कर दिया गया, वो भी इस तरह से कि पहले 3 लोगों ने मारा, फिर 2 लोगों ने मारा, फिर पूरे 150 लोगों के मौत में उस पर हमला कर दिया, उसके बाद उसे गायब कर दिया गया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये हिंदुस्तान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हमारा भी है, हम अपने हक लेकर ही रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं, बस शुक्रिया।